हेलो दोस्तों, अगर आप राइटर हो, पब्लिशर हो और म्यूजिक डायरेक्टर हो तो आईपीआरएस मेंबरशिप आपको नहीं मिला है। आईपी नंबर, अगर आप आईपीआरएस में रजिस्टर्ड है, आईपी नंबर नहीं मिला है तो आप सबसे पहले आईपीआर में रजिस्टर्ड हो जाइए, ताकि आपको जो भी गाने लिखते हैं उसका रॉयल्टी आपको मिले। अगर आप आईपीआरएस मेंबरशिप फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, कैसे फॉर्म भरें, कैसे सॉन्ग सबमिट करें, कैसे आईपीआर नंबर मिलेगा, ईमेल आईडी, वो सब मैं बताया हूँ। तो दोस्तों, आईपीआरएस में रजिस्टर्ड हो जाइए। आईपीआरएस उन्हीं लोग को काम करेगा जो राइटर हों, म्यूजिक डायरेक्टर हों और कम पब्लिशर हों, ताकि आप जो भी गाने लिखते हैं आपको उसका रॉयल्टी नहीं मिल रहा है तो आपको रॉयल्टी आईपीआरएस से मिलेगा। आप मेहनत करना, सब लोग चाहते हैं, मेहनत करते हैं, गाने का रॉयल्टी नहीं है। बहुत से राइटर लोग हैं जो इनको पता ही नहीं कि हमें गाने लिख दिए हैं, मार्केट में चल रहे हैं, हमारा गाने का पैसा कैसे मिलेगा उनको ये भी नहीं पता है। तो इस सब का वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। मुझे तो आईपीआर नंबर मिल गया है, आपको नहीं मिला है तो आईपीआरएस में अब बहुत देर कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हो जाइए। इसके बारे में बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको इसका रॉयल्टी मिले। म्यूजिक डायरेक्टर का और अथोर और राइटर, जिनको अथोर बोलते हैं वही राइटर होते हैं, इन दोनों जन का चार्जेस जो है 1200 रुपये है, पब्लिशर का 2200 रुपये है। अगर आईपीआर में फॉर्म सबमिट करने में, अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं भरने में सपोर्ट करूँगा, ताकि हमारा लक्ष्य है कि आईपीआरएस में जितने लोग राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पब्लिशर हैं, ताकि उनको पेमेंट पूरा मिले। मेरा यही है, आईपीआरएस में इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि जिन लोग को नहीं जानकारी है मेरा वीडियो देखें, आपके दोस्त यार जो भी हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड हैं उनको वीडियो भेजिए, ताकि वो भी लोग रजिस्टर्ड हो जाए आईपीआरएस में। आईपीआरएस में रजिस्टर्ड रहेंगे तो जो भी लोग मेहनत करते हैं उनका हर 3 महीने पे पेमेंट जो भी रहता है मिलता है। दोस्तों, आईपीआरएस में आप रजिस्टर्ड करेंगे, वर्क फाइल कैसे अपलोड करते हैं, गाने अपलोड कैसे करते हैं, अगर आईपीआरएस नंबर मिल गया है उनके लिए भी बता रहा हूँ। आपको सॉन्ग अपडेट करने नहीं आ रहा है तो मैंने उस सब का वीडियो बनाया है कैसे करते हैं। अगर कोई समस्या हो रही है आईपीआरएस में रजिस्टर्ड होने में, या आईपीआर नंबर नहीं मिल रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है, तो हमें कमेंट करिए कि मुझे ये दिक्कत है, मैं आपको बताऊँगा, आपका सपोर्ट करूँगा। आप लोग वीडियो देखिए, कमेंट करिए, बताइए, मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ गलत है। जिनको मिल गया है आईपीआर नंबर उन लोग को पता होगा कि मैं वीडियो में गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ। आप अगर मेंबरशिप नहीं लिए, देखो मैं मेंबर पे क्लिक करेंगे, अगर मैं ये बताऊँगा भरने के लिए दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो मैं मेंबर पे क्लिक करेंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन कैसे भरते हैं सब वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, पढ़ लेना, देख लेना। बैंक डिटेल, पासबुक, आधार कार्ड, ये सब लगेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये पेपर जो वर्क है इसका 45 दिन में प्रोसेस होता है एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, 45 दिन में एप्लीकेशन कंप्लीट होएगा आपका, बैंक पासबुक ये सब अपने पास रखना। और एक चीज़ और लगेगा आप लोग को दोस्तों, उद्यान रजिस्ट्रेशन में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये एम ई का फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे इसका फॉर्म मिलेगा, ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये मैं वीडियो बनाया हूँ मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं, कैसे भरते हैं, ये फुल प्रोसेस बताया हूँ। अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो रहा है, नहीं भर पा रहे, नहीं आ रहा आपका, तो हमें कमेंट करिए, हम बताएंगे दोस्तों। वीडियो में कैसा लगा, अच्छा लगा, कमेंट करके हमें बताएं।
ताकि हमें पता चले कि कितने लोग IPRS में रजिस्टर्ड हैं। अगर आप देर कर दिए हैं तो कर दीजिए, IPRS में रजिस्टर्ड हो जाइए। मेंबरशिप अप्लीकेशन फॉर्म पे आएगा, क्लिक करेंगे दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसका ऑफिस मुंबई में है, आप वहाँ से ऑफिस से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो कुछ इस पर क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप कुछ अलग ऐसा आएगा दोस्तों। देख लिए मैंने इस सब का वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई समस्या हो रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ नेक्स्ट स्टेप आएगा IPRS में न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मेरा वीडियो है और उस पर जाके देख सकते हैं। म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारा IPRS नंबर से है मेरे पास। अगर आप अगर ऑनलाइन नहीं भरना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ये देखिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये IPRS है, ये मेल ID है और ये देखिए एड्रेस है अंधेरी का जहाँ पे ऑफिस है। देख सकते हैं ये ऑफिस का एड्रेस है, आप डायरेक्ट ऑफिस में भी जाके कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, दिखा दे तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई समस्या हो रहा है तो ये हमें करिए, हम आपको बताएंगे अगर आपको समस्या हो रहा है तो। ठीक है दोस्तों, बीकॉम नंबर पे क्लिक करेंगे, जैसे IPRS सर्च करेंगे। मैं वीडियो बहुत सारा बनाया हूँ, मेरे चैनल पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एकेडमी है मेंबर है जो IP नंबर पा गए उनके लिए है, जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए बीकॉम मेंबरशिप के लिए है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई जानकारी चाहिए और तो हमें कमेंट करिए, हम बताएंगे। तब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी के साथ।